हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोहिमेली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कब और कैसे अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, कस्टम यूआरएल लगाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोस्तों आपके चैनल में 100 या फिर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपकी जो चैनल है वो 30 डेज का पुराना होना चाहिए, आपकी जो चैनल आर्ट है, बैनर है, आपकी जो लोगो आइकन है वो भी दोस्तों लगा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने एक बार अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल लगा लिया है उसे आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए दोस्तों आपको जो एग्जिस्टिंग यूआरएल है उसको डिलीट करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप दूसरा कस्टम यूआरएल एडिट कर पाओगे या फिर लगा पाओगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका 100 या फिर 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी दोस्तों उनको कस्टम यूआरएल लगाने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। उनको मैं कहना चाहूंगा आप थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, आपको भी ये चीज मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल की वीडियो क्वालिटी, कॉन्टेंट क्वालिटी या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए वीकली दोस्तों यहाँ पे मैं 3 या 4 ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहां पे दोस्तों आगे जाके मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL सेट कर सकते हो। दोस्तों, यहां पे आपको आपके चैनल का कस्टम URL सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में, और यहां से दोस्तों www.youtube.com लेके आपको सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में 3 डॉट में जाना है, यहाँ से डेस्कटॉप साइट में आपको ओपन कर लेना है आपकी चैनल को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ओपन हो जाता है आपका चैनल, और इसके बाद यहाँ पे जो साइट पे लोगो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन होकर आएगा और एक डैशबोर्ड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में योर चैनल में क्लिक कर देना है। योर चैनल में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो आता है, ठीक है। तो हम कस्टमाइज चैनल में जाएंगे। कस्टमाइज चैनल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो चैनल कस्टमाइज है यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है लेआउट, मिल रहा है आपको लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में टैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे ही पास आ गया है चैनल URL। यहाँ पे बहुत लंबा सा एक URL है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे URL नया सेट करने के लिए आपको सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे देखिए www.youtube.com/cbengalihealth101 लिखा करके आ रहा है, तो इसे ही हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमारा चैनल का भी नाम है। एक चैनल का नाम है हमारा और एक चैनल ही है, तो यहाँ पे हम बेंगोली हेल्थ टिप्स देते हैं, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। इस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, तो इसी को हम रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर देखिए पब्लिश करके आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे पब्लिश में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टम URL यहाँ पे लिख के आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों आप नीचे देखिए हमारे जो कस्टम URL चेंज हो गया इसको हम कॉन्फर्म कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।